तो क्या चल भाई लोग, तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम लोग गोल्ड फार्मिंग कैसे कर सकते हो। तो बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि मेरे पास इतने सारे गोल्ड कहाँ से आते हैं और मैं इतने सारे फूड कैसे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फूड कलेक्ट करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि तुम्हारे पास गोल्ड बहुत होना चाहिए। तो ये वाला जो अकाउंट है मेरा, ये मैंने बहुत दिनों पहले बनाया था, क्योंकि मतलब मैंने बनाया था ऐसे यार, इसमें भी मैं गोल्ड फार्मिंग करता था और खो गया था अकाउंट, मुझे अचानक से मिल गया, तो मुझे लगा गोल्ड फार्मिंग का एक वीडियो बना ही देते हैं। अगर तुम लोगों ने अभी अभी मॉन्स्टर लेजेंड चालू करा है तो तुम लोग दो मॉन्स्टर से फार्मिंग कर सकते हो, एक पांडा के न दूसरा टेरज़ैप। और हमेशा याद रखना कि नेचर हैबिट में ही फार्मिंग करना है, क्योंकि नेचर हैबिट तुम्हें ज़्यादा गोल्ड देगा, तो नेचर हैबिट में ही फार्मिंग करना। जैसे जैसे तुम लोग गोल्ड कलेक्ट करोगे वैसे वैसे तुम मॉन्स्टरों को थोड़ी बहुत खाना खिला देना और हैबिट्स को भी अपग्रेड कर देना, वैसे वैसे तुम्हें और भी ज़्यादा गोल्ड मिलने लगेंगे। और तुम लोगों को पता है गोल्ड से सिर्फ तुम लोग फूड नहीं जमा कर सकते, साथ में आइलैंड भी बाय कर सकते हो जल्दी जल्दी, मिथिक हैबिट्स भी बाय कर सकते हो, लेजेंडरी हैबिट्स भी बाय कर सकते हो, तो गोल्ड का बहुत फायदा। तो जल्दी जल्दी जाओ गोल्ड फार्मिंग करो, जाओ पूरे आइलैंड को पांडा गेन से भर दो, नहीं टेरज़ैप से भी तुम लोग भर सकते हो, तो जल्दी जाओ। अच्छा, जाने से पहले ये सुन के जाओ, जिन लोगों को ये नहीं पता कि पांडा केन और टेरज़ैप को कैसे ब्रीड करना है, तो मैं बता देता हूँ। देखो, टेरज़ैप के लिए तुम्हें एक अर्थ और नेचर मॉन्स्टर को कंबाइन करना है तो उससे तुम्हें ब्रीड हो जाएगा, और पांडा केन के लिए तुम्हें मिलाना है एक फायर और नेचर को, उससे तुम्हें पांडा केन मिल जाएगा, और उसके बाद अपने आइलैंड को भर सकते हो और अपग्रेड करते रहना, जिससे तुम्हें ज़्यादा गोल्ड मिलेगा, ज़्यादा गोल्ड से ज़्यादा फूड इकट्ठे कर सकते हो, ज़्यादा फूड से तुम गेम में और जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। और एक और टिप, अरे बस हो गया भाई, चलते हैं, दुआओं में याद रखना भाई लोग, टाटा बाय बाय। आई होप ये वीडियो तुम्हारा थोड़ी बहुत मदद कर ही देगा, तो चलते हैं।